हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज का सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसके अंदर आज मैं समझाने वाला हूँ स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल। इस वीडियो से पहले भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के मैक्सिमम वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप आज देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियो की लिंक दे रखी है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नाम से, उसमें भी जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूं आज का वीडियो। आज के वीडियो में मैंने टोटल टू न्यूमेरिकल लिए हैं, जिसमें पहले न्यूमेरिकल को मैं पढ़ के सुना रहा हूं, सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है और समझते जाना है। न्यूमेरिकल के अंदर लिखा हुआ है अ मेटल बार 50 mm × 50 mm सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कंप्रेसिव लोड ऑफ 500 किलोन्यूटन। क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है जो मेटल बार है उसका एरिया दिया हुआ है 50 mm × 50 mm, आगे जो कंप्रेसिव लोड लग रहा है वह कितना है 500 किलोन्यूटन। द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ अ 200 mm गेज लेंथ इज फाउंड, मतलब कॉन्ट्रेक्शन मतलब सिकुड़ रही है कितना 200 mm। और आगे बोला 0.5 mm जो है कॉन्ट्रेक्शन है, कितनी इतनी टोटल लेंथ कितनी है 200 mm, और जिसमें जो चेंज इन लेंथ हुआ कितनी दी है 0.5 mm। आगे बोला इंक्रीज इन थिकनेस, थिकनेस में जो परिवर्तन आ रहा है कंप्रेसिव लोड के कारण वह कितना आ रहा है 0.04 mm। आगे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस एंड पॉइजन रेशो, जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है और पॉइजन रेशो निकालना है। तो इस न्यूमेरिकल को आपने पढ़ लिया होगा और समझ लिया होगा। सबसे पहला काम होता है जो भी डाटा गिवन है उसको नोट करना, तो उसको मैं नोट करके और सारी यूनिट कन्वर्ट करके बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी डाटा गिवन है उसको मैंने नोट कर लिया है, जैसे कि एरिया गिवन है 50 × 50 इन दोनों mm में दिया है, तो mm क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 हो जाएगा। तो a = 2500 mm² हम यूज करेंगे। आगे लेंथ दी है 200 mm, फोर्स दिया p = 500 kN, इस किलो को मैंने चेंज करके 10³ का मल्टीप्लाई करके न्यूटन में चेंज कर दिया, जो कि यहाँ पर गिवन है, जैसे कि देख रहा है लेंथ यहाँ पर गिवन है और एरिया यहाँ पर गिवन है। आगे बोला चेंज इन लेंथ, जो चेंज इन लेंथ को हम डेल एल से शो कराते हैं, तो डेल एल भी कहीं भी लिखा हो तो उसका मतलब होता है चेंज इन लेंथ, और जिसकी वैल्यू दी है 0.5 mm, उसको मैंने नोट कर लिया है। आगे चेंज इन थिकनेस दिया हुआ है जो कि यहाँ पर delta = 0.04 mm। हमें ई कैपिटल ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड आउट करना है, और म्यू जो किसका सिंबल है पॉइजन रेशो का, उसको हमें फाइंड आउट करना है। दोनों के लिए हमें सबसे पहले फॉर्मूला मालूम हो जाएगी कौन कौन से फॉर्मूला यूज होंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूला यूज होंगे और कैसे उनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कुछ फॉर्मूले हमने लिख कर रख लिए, इनको समझ लेते हैं। जैसे कि चेंज इन लेंथ निकालना है तो उसके लिए क्या होता है p × l / a। चेंज इन लेंथ क्या होगा डेल एल होगा, जिसकी वैल्यू हम देखेंगे यहाँ पर गिवन है, कितनी गिवन है 0.5 mm। P क्या है जो भी लोड होता है या फोर्स होता है वाई होता है, तो उसकी वैल्यू गिवन है कितनी 500 × 10³। ये क्या होता है एरिया, तो एरिया भी यहाँ पर गिवन है 2500 mm². अब ये E वाला यहाँ पर गिवन नहीं है, तो E क्या होती है जो हमें फाइंड आउट करना है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर यंग मॉडुलस बोलते हैं इसको, तो E हम निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें सारी डेल एल भी गिवन है, पी भी गिवन है, एल भी गिवन है और ए भी गिवन है। तो इस फॉर्मूले से हम आराम से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं पॉइजन रेशो की। यदि आपको पॉइजन रेशो निकालना है तो उसका फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, जैसे कि पॉइजन रेशो का जो फॉर्मूला होता है इसको म्यू से डिनोटेट करते हैं, और जो होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन, क्या होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। अब इन दोनों के भी फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए तभी हम पॉइजन रेशो को निकाल सकते हैं। तो जो लीनियर स्ट्रेन होता है वह लीनियर स्ट्रेन क्या होता है स्मॉल ई और यहाँ पर एल लिखा हुआ है जो कि लीनियर स्ट्रेन को शो कराता है, इक्वल टू होता है डेल एल अपॉन एल, मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इसी तरह लेटरल स्ट्रेन, जो लेटरल स्ट्रेन होता है उसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर थिकनेस दी है, चेंज इन थिकनेस हो, चेंज इन विड्थ हो, कुछ भी हो सकता है। तो वाई क्या होता है लेटरल स्ट्रेन इक्वल टू होता है डेल टी अपॉन डेल टी, मतलब क्या होता है चेंज इन थिकनेस, और जो टी है थिकनेस मतलब ओरिजिनल थिकनेस जो भी गिवन हो, चेंज इन थिकनेस अपॉन ओरिजिनल थिकनेस, इससे हम क्या निकाल सकते हैं लेटरल स्ट्रेन। इस तरह सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इस कैपिटल ई को निकालेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को इस फॉर्मूले की सहायता से। इसको सबसे पहले मैं निकाल के दिखा देता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ है इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया और इसकी सारी वैल्यू पुट कर दी, जैसे कि चेंज इन लेंथ 0.5 mm गिवन है उसको मैंने यहाँ रख दिया डेल एल की जगह,
जो पी इज इक्वल टू 500 इनटू 10 की पावर 3 गिवन है उसको यहां पर पुट कर दिया। इसके अलावा क्या है, एल है, एल यहां पर देखा 200 गिवन है उसको भी मैंने रख दिया। और जो यहां पर एरिया ए, ए यहां पर 2500 मैंने कैलकुलेट किया उसको भी रख दिया इनटू ई, ई क्योंकि फाइंड आउट करना। अब ई को हमें निकालना है तो इसको हम कहां ले जाएंगे, इक्वल किस तरफ ले जाएंगे, तो 0.5 को हम ई से एक्सचेंज कर देंगे। ई कहां पहुंच गया, इधर पहुंच गया और 0.5 ई की जगह आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे और नीचे वाली वैल्यू का ऊपर वाली वैल्यू में डिवाइड कर देंगे। इसको स्टेप बाय स्टेप करें, यहां पर मैंने डायरेक्ट आंसर निकाल दिया कैलकुलेटर से, तो ये जो आंसर आएगा 0.8 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इसमें कोई भी हमें यूनिट परिवर्तन नहीं करना पड़ा क्योंकि मैक्सिमम जो यूनिट थी वो एमएम में थी, सिर्फ यहाँ पर किलो न्यूटन में था, सो उसको मैंने किलो से न्यूटन में चेंज कर लिया, इसलिए ई की यूनिट क्या आई, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इस तरह हमने पहला जो हमारे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर यंग मॉडुलस था उसको कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या निकालना, पॉइजन रेशियो। उसके लिए हमें लीनियर स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों को निकाल के मैं सबसे पहले समझा देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं लीनियर स्ट्रेन EL इक्वल टू डेल एल अपॉन एल। डेल एल की जो वैल्यू गिवन है वह कितनी है, 0.5। तो 0.5 हमने यहां पर रख दिया, एल इक्वल टू क्या है 200, तो 200 नीचे रख दिया। दोनों की यूनिट एक समान है, अगर एक समान यूनिट नहीं है तो हम उनको एक समान कर लेते हैं। दोनों यूनिट एक दूसरे से कट जाती है तो इसलिए इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो 0.0025 हमारा लीनियर स्ट्रेन आ जाएगा। अब लीनियर स्ट्रेन तो निकल आएगा लेकिन लेटरल स्ट्रेन भी निकालना है, तो उसको भी मैं निकाल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लेटरल स्ट्रेन है डेल टी, मतलब जो यहाँ पर दिया 0.04, उसको मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। और टी कहाँ से आएगी, जो हमारा एरिया दिया है लेंथ इनटू विड्थ या फिर हम थिकनेस बोल सकते हैं, उसमें से क्या होगा, एक थिकनेस होगी या विड्थ होगी, तो उसको मैंने 50 mm ले लिया, उठा लिया वहां से, टी की जगह 50 mm रख दिया। इसको इसमें डिवाइड किया तो 0.0008 आ गया। दोनों की यूनिट एक समान है तो कैंसिल हो जाएंगी। तो लेटरल स्ट्रेन इस तरह हमने कितना निकाल लिया, 0.0008। अब इन दोनों की वैल्यू को, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को कहां पुट करेंगे, पॉइजन रेशियो के फॉर्मूला में। इस फॉर्मूले में जब वैल्यू पुट करेंगे तो उससे हमारा क्या निकलेगा, पॉइजन रेशियो। तो इसको भी मैं निकाल के कैलकुलेट करके बता देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला रख दिया, इसमें जो वैल्यू हमने यहां पर कैलकुलेट की लेटरल स्ट्रेन की वो ऊपर रख दी है और लीनियर स्ट्रेन की नीचे रख दी। इसको इसमें डिवाइड किया तो पॉइजन रेशियो की वैल्यू आ गई म्यू इक्वल टू 0.32। तो ये हमारा पॉइजन रेशियो निकल आएगा, निकल आया है। इससे पहले मैं जो भी हमारा यंग मॉडुलस था उसको कैलकुलेट कर चुका हूं, तो ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अब एक न्यूमेरिकल और है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है स्टील फ्लैट 6 mm लॉन्ग, 150 mm वाइड, 15 mm थिक, इज सब्जेक्टेड टू पुल ऑफ 720 kN। जो लोड लगा हुआ है 720 kN या फोर्स बोल सकते हैं। यहाँ पर लेंथ दी है, विड्थ दी है और थिकनेस दी है। फाइंड द चेंज इन, हमें चेंज इन निकालना है लेंथ, चेंज इन लेंथ निकालना है, चेंज इन विड्थ निकालना है और चेंज इन थिकनेस, मतलब तीनों में जो परिवर्तन हो रहा है उसको हमें फाइंड आउट करना है, और वॉल्यूम में भी जो परिवर्तन हो रहा है उसको भी हमें निकालना है, जो भी हमारी फ्लैट प्लेट है उसकी। और ईच कल टू दिया 2 × 10⁵ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, म्यू इज इक्वल टू दिया 0.3। तो जो भी न्यूमेरिकल दिया हुआ है उसको मैंने पढ़ लिया, हमने जो भी डाटा गिवन है उसको नोट करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो भी डाटा गिवन है उसको मैंने नोट किया है, जैसे आपको दिख रहा होगा लेंथ इज इक्वल टू 6 m गिवन है, इसको मैंने एमएम में चेंज कर लिया है 1000 का मल्टीप्लाई करके। विड्थ बीच कल टू दिया 150 mm, थिकनेस टी इज इक्वल टू दिया 15 mm, फोर्स दिया पी इज इक्वल टू 720 kN, इसको किलो को मैंने हटा के उसको न्यूटन में चेंज कर लिया है 10³ का मल्टीप्लाई करके। ईच कल टू दिया 2 × 10⁵ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, इसको चेंज नहीं करना क्योंकि जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट है वह है यूनिट गिवन है। म्यू इज इक्वल टू जो पॉइजन रेशियो दिया है 0.3, जबकि हमें डेल एल निकालना है, डेल बी निकालना है, डेल टी निकालना है और डेल बी निकालना है। इन सबको निकालने के लिए हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं है तो मैं बता रहा हूँ, एक बार रिविजन करा रहा हूँ जिससे आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे और इस टाइप के कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर सभी फॉर्मूले हमने नोट कर लिए हैं, जैसे कि सबसे पहले हम निकालेंगे चेंज इन लेंथ, डेल एल इक्वल टू पी एल अपॉन ए। टी क्या है, यहाँ पर फोर्स है जो कि गिवन है, यहाँ पर ये दिख रहा होगा 720 × 10³। एल क्या है, लेंथ है जो 600 mm रखेंगे। ए क्या है, एरिया, तो एरिया यहाँ पर गिवन नहीं है तो उसके लिए विड्थ और थिकनेस गिवन है, इस फॉर्मूले से हम एरिया निकाल लेंगे। बी मतलब 150, थिकनेस मतलब 15 mm, इससे हम एरिया निकाल के यहाँ पर रख देंगे। ईच कल टू गिवन है 2 × 10⁵ न्यूटन पर एमएम, तो हम इस तरह डेल एल निकाल सकते हैं। अब हमें क्या होता है, यहाँ से डेल एल से हम क्या करेंगे, पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला यूज करेंगे। पॉइजन रेशियो यहाँ पर गिवन है 0.3, जो चीज गिवन है उसी का फॉर्मूला यूज करते हैं, और लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन।
लेटरल स्ट्रेन यहाँ पर देखेंगे हमारे पास नहीं है, लेकिन लीनियर स्ट्रेन देखेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है, लीनियर स्ट्रेन होता है डेल एल अपॉन एल, जबकि डेल एल यहाँ पर देख रहे होंगे हमने निकाल लिया, इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे एल हमारी लेंथ गिवन है 6000, इससे हम क्या निकालेंगे लीनियर स्ट्रेन। अब यहाँ पर लेटरल स्ट्रेन निकालना तो उसके लिए फॉर्मूला होता है डेल बी अपॉन बी, इससे निकाल लेंगे। इसके बाद हम लेटरल स्ट्रेन निकालेंगे थिकनेस के लिए, थिकनेस के लिए क्या निकालेंगे डेल टी अपॉन टी। इस तरह वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है ई बी इक्वल टू डेल बी अपॉन बी, मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम और चेंज इन वॉल्यूम। तो इससे हम क्या करेंगे फिर टोटल जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है जो यहाँ पर दिख रहा होगा ई बी, इसको निकालने के लिए क्योंकि हमें चेंज इन वॉल्यूम निकालना है तो हम ये पूरा ई एल प्लस ई बी प्लस ई टी से हम क्या निकालेंगे जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालेंगे इसको हम यहाँ पर रखेंगे और टोटल वॉल्यूम ये यहाँ पर देखेंगे तीनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम निकाल लेंगे और इससे हम क्या है डेल डेल भी निकाल लेंगे, डेल टी निकालना है, डेल बी निकालना है, डेल बी निकालना है और डेल एल निकालना है। इनको स्टेप बाय स्टेप निकाल के दिखाता हूँ मैं, इन फॉर्मूले को अलग कर देते हैं और सीधा चेंज इन लेंथ के फॉर्मूले से यूज करते हुए सारी सारा डाटा कैलकुलेट करता हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम सबसे पहले एरिया निकालेंगे क्योंकि एरिया गिवन नहीं है, बी इंटू टी, बी की वैल्यू यहाँ पर देख रही होगी जो कि यहाँ पर गिवन है 150 इंटू 15 थिकनेस, इसको मल्टीप्लाई करके हमने एरिया निकाल लिया। अब हमारे पास एरिया भी हो गया तो हम क्या करेंगे इस फॉर्मूले का यूज करते हुए ये डेल एल इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो डेल एल सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं जिससे कि पहली जो चेंज इन लेंथ है वो है हमारी फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चेंज इन लेंथ का हमने फॉर्मूला रख दिया और डेल एल निकालना है तो टी की वैल्यू है उसको मैंने पुट कर दिया 720 इंटू 10 की पावर 3 जो कि यहाँ पर गिवन है, एल इक्वल टू जो ऊपर 6000 mm है उसको रख दिया मैंने, जो हमने यहाँ पर एरिया निकाला उसको रख दिया 2 इंटू 10 की पावर 5 ई की वैल्यू यहाँ पर गिवन है इसको पुट कर दिया। इसको पुट करने के बाद क्या करेंगे इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे स्टेप बाय स्टेप तो हमारी डायरेक्ट वैल्यू आएगी 9.6 mm। चेंज इन लेंथ जो हमारा पहला कैलकुलेट करना था वह मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब इसकी सहायता से जब चेंज इन लेंथ हमें पता है और ओरिजिनल लेंथ भी पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं लीनियर स्ट्रेन निकाल सकते हैं आसानी से। सबसे पहले लीनियर स्ट्रेन मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लीनियर स्ट्रेन ई एल इक्वल टू डेल एल अपॉन एल होता है, डेल एल इक्वल टू मैंने 9.6 निकाला है वो यहाँ पर रख दिया, एल इक्वल टू जो है उसको रख दिया, इसको इसमें डिवाइड किया तो लीनियर स्ट्रेन इक्वल टू कितना आ गया 0.0016। तो इस तरह हमें लीनियर स्ट्रेन मिल गया। अब हमारे पास लेटरल स्ट्रेन की और जरूरत है तो लेटरल स्ट्रेन आसानी से निकाल सकते हैं पॉइजन रेशो के फॉर्मूले से, क्योंकि पॉइजन रेशो गिवन है। कैसे निकालते हैं वह भी मैं बता देता हूं। तो पॉइजन रेशो इक्वल टू हम जानते हैं लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। अब हमें क्या निकालना है लेटरल स्ट्रेन निकालना है तो इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो लेटरल स्ट्रेन इक्वल टू हो जाएगा पॉइजन रेशो इंटू लीनियर स्ट्रेन। अब पॉइजन रेशो 0.3 गिवन है उसको मैंने रख दिया इंटू लीनियर स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन अभी मैंने कैलकुलेट किया था जो कि इसकी वैल्यू मैंने ऑलरेडी यहाँ पर दिखाने के लिए रखी है 0.0016, इसको भी यहाँ पर पुट कर दिया, दोनों का इसमें मल्टीप्लाई किया एक दूसरे में तो लेटरल स्ट्रेन इक्वल टू क्या आ गया 0.0048। तो ये हमारी लेटरल और लीनियर स्ट्रेन की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे 1/1 डेल बी डेल टी और डेल बी, तो आगे कैलकुलेट करते हैं डेल बी के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेटरल स्ट्रेन जब विड्थ की बात कर रहे हैं तो चेंज इन विड्थ अपॉन क्या हो जाएगा ओरिजिनल विड्थ। चेंज इन विड्थ हमें क्या करना है निकालना है, जबकि जो लेटरल स्ट्रेन वही हमने जो वैल्यू एक बार निकाली है वही वैल्यू रहेगी, तो ये मैंने जस्ट ऊपर अभी कैलकुलेट की थी उसको पुट करेंगे। तो इसको मैंने यहाँ पर लेटरल स्ट्रेन की जगह रख दिया, बी जो ओरिजिनल विड्थ गिवन है न्यूमेरिकल के अंदर जो मैंने स्टार्टिंग अभी आपने देखा होगा उसकी जगह 150 रख दिया जो कि न्यूमेरिकल के अंदर गिवन है। अब हमें डेल बी निकालना है तो इसको इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इसमें कैलकुलेट करेंगे तो डेल बी इक्वल टू 0.072 आ जाएगा। तो डेल बी निकाल लिया है, अब इसके बाद डेल टी भी निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेटरल स्ट्रेन इक्वल टू डेल टी अपॉन टी, टी क्या ओरिजिनल थिकनेस जो कि 15 mm गिवन है, डेल टी इक्वल टू हमें निकालना है लेटरल स्ट्रेन जो हमारी वैल्यू है इसी को हम यूज करेंगे। तो इसकी लेटरल स्ट्रेन की जगह इसको रख दिया मैंने, ओरिजिनल टी की जगह 15 mm रख दिया, डेल्टी निकालना है तो इसको इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरह इसको कैलकुलेट किया तो डेल्टी इक्वल टू 0.0072 आ गया। इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि दोनों की यूनिट एमएम में या मीटर एमएम में या फिर सेंटीमीटर में या मीटर में रहेगी तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाती है। इस तरह डेल्टी इक्वल टू भी निकाल लिया, डेल बी इक्वल टू भी निकाल लिया और हमने डेल एल भी निकाल लिया। अब निकालना हमें डेल भी, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वाई भी मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू होता है डेल बी अपॉन बी, हमारे पास ओरिजिनल वॉल्यूम कैसे निकलेगा
और ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ कैसे निकलेगा, ये दोनों वैल्यू हमें पता होगी जब भी हम डेल वी या चेंज इन वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ और टोटल वॉल्यूम, दोनों को कैलकुलेट करके मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ निकाला, कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ इक्वल टू जो भी लेंथ में परिवर्तन आ रहा है प्लस जो विड्थ में परिवर्तन आ रहा है प्लस जो उसकी थिकनेस में परिवर्तन आ रहा है, तीनों का ये होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ। अब इसको कैसे निकालते हैं, तो हम जानते हैं इसमें कौन सा लोड लग रहा है, टेंसाइल लोड लग रहा है, पुल कर रहा है मतलब खींच रहा है, तो लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब लेंथ इंक्रीज हो रही है तो उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। इस तरह जब हम लेंथ इंक्रीज करते हैं तो विड्थ हमारी क्या होती है, रिड्यूस होती है या कम होती है, तो जो चीज कम होती है उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो जो भी हमने डेल बी यहाँ पर निकाला हुआ है उसको हम कैसा रख देंगे, नेगेटिव रख देंगे। इसी तरह क्या होगा, जो ई बी क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ, उसको मैंने नेगेटिव रख दिया। इस तरह ई टी क्या है, जो यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, लेकिन जब विड्थ कम होगी तो थिकनेस भी कम होगी, जब थिकनेस भी कम होगी तो उसको भी हम कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे। इसलिए हमने उसको भी यहाँ पर क्या रख दिया, नेगेटिव रख दिया। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू सेम रखी हुई, इन दोनों को हमने क्या किया, माइनस माइनस है तो कैसे जुड़ जाएंगे, तो दोनों को जोड़ के हमने यहाँ रख दिया और साइन क्या रहेगा, माइनस का ही रहेगा। इसमें से ए माइनस हो जाएगा, जब ए वैल्यू इसमें से माइनस होगी तो कितना बचेगा, 0.0064। इस तरह ए बी इक्वल टू हमारे पास आ गया है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ। अब ये यहाँ पर ओरिजिनल वॉल्यूम है तो इसकी जगह हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ विड्थ इनटू जो भी थिकनेस दी है। इस तरह हम क्या डेल भी निकाल लेंगे, तो इसको भी मैं निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये मैं समझा देता हूँ कैसे निकाला है, इसको अब यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, 0.0048 जो मैंने लिया है लेटरल स्ट्रेंथ, जबकि ये क्या है, ई एल क्या लिया है, लीनियर स्ट्रेंथ, जो कि ऊपर हम निकाल चुके हैं, इसलिए आप इसमें कंफ्यूज ना हो, दोनों जगह एक जैसी वैल्यू लिखी है, क्योंकि हम कॉमन लेटरल स्ट्रेंथ लेके चल रहा है विड्थ के लिए और थिकनेस के लिए, दोनों के लिए, ठीक है। क्योंकि चेंज है जो लेटरल स्ट्रेंथ, थिकनेस में परिवर्तन हो या विड्थ में परिवर्तन हो, दोनों के लिए लेटरल स्ट्रेंथ ही बोला जाता है। ये वैल्यू मैं कॉमन लेके चले, इसलिए बी निकाल लिया था। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ का यहाँ पर हमने फॉर्मूला रख दिया है और ई बी इक्वल टू जो वैल्यू निकाली उसको यहाँ पर पुट कर दिया है। ये डेल भी हमें निकालना है, चेंज इन वॉल्यूम और बी इक्वल टू जैसे हमने बताया था लेंथ विड्थ इनटू थिकनेस, तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरह ओरिजिनल वॉल्यूम निकालेगा। अब हमें ए निकालना है तो इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके रख दिया। अब इसको कैलकुलेटर से जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे डेल बी इक्वल टू निकलेगा 8640 mm³, वॉल्यूम की जो यूनिट होती है एमएम क्यू होती है। तो ये जो कुछ दो न्यूमेरिकल थे, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे, बहुत सारे कांसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।